देखिए जी, सुबह के बज रहे हैं 7:30 और ये क्या काम हो रहा है? प्रेस हो रही है। किसके कपड़ों पे? माहम के कपड़ों पे। जी हाँ, मैं हूँ सामिया, आप सबकी प्यारी सामिया, और आप सबका तहे दिल से वेलकम करती हूँ सामे की दुनिया में। कैसे हैं आप लोग? मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ, आप लोगों की दुआओं से। और देखिए जी, ये सुबह के 7:30 बज रहे हैं, तो मैंने जाना था अपने काम पर, तो उससे पहले सोचा कि माहम का जो है मैं ड्रेस जो है वो प्रेस कर दूँ, क्योंकि मैं तो आ नहीं पाऊँगी और माहम यहाँ पर रेडी हो जाएंगी। तो बस फ्रेंड्स, सुबह का आगाज़ आज इसी तरह से कुछ हुआ है, और बस ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था बहुत सुबह में हमने, और उसके बाद बस मैं निकलना था मुझे, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से ये ब्लैक ड्रेस है माहम का, गाउन है, और ये मैं प्रेस कर दूँ, क्योंकि माहम को मेरे पीछे से ही रेडी होना था। तो क्योंकि मैं तो अब फ्रेंड्स शाम में ही वापस आऊँगी, तो तब तक जो है माहम अपना नहा धोकर रेडी हो जाएंगी। तो बस देख लें आप, ये मैं प्रेस कर रही हूँ, और बाकी अभी बहुत सारे काम हैं सारे दिन के, सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। आज हम लोगों को शादी में जाना है, मैंने आप लोगों को बताया था, उपटन का मैंने कुछ क्लिपिंग डाली थी जो आप लोगों ने देखी होगी यकीनन। और बस अब आज शादी है, तो बस जी शादी की तैयारी है, तो बड़ी मसरूफियात रहेंगी सारे दिन, और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो भी मसरूफियात रहेंगी। तो बस जी, गाउन प्रेस करने में थोड़ा टाइम लग गया था, टाइम टेकिंग चीज़ है ये, क्योंकि काफ़ी बड़ा सा गाउन था ये घेर वाला, तो इसमें थोड़ा टाइम लग रहा था। तो अभी बस इसका दुपट्टा भी इसके साथ मैं प्रेस कर दूंगी। लो जी, दुपट्टा भी साथ में प्रेस हो गया। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, अब आप ये आ गया है मेरा सूट जो मुझे शादी में पहनना है। तो मैंने क्या किया ना, सारा कुछ रेडी करके जा रही थी मैं, सब कुछ मैंने रेडी किया सुबह ही सुबह सब कुछ, ताकि आऊँ मैं तो मुझे भी मेरा बिल्कुल ड्रेस जो है वो रेडी मिले, और बस मैं जो आकर तैयार होना था नहा कर। तो देखिए जी, मेरा सूट है ये पाकिस्तानी सूट है मेरा, और ये मारिया बी का सूट है पाकिस्तानी, और देख लें आप इसकी ये पैंट्स हैं, और ये मेरी सिस्टर ने से ही मैंने सिलवाया था, स्टिच करवाया था, तो उन्होंने इसकी पोटली भी बना दी थी मेरे पैंट्स के कपड़ों की, तो ताकि मैचिंग का अच्छा लगे। और ये मैंने मेरी भांजी के रिसेप्शन के लिए बनवाया था, तो बस तब से रखा था, तो अब सोचा कि यही पहन लिया जाए। तो लीजिए जी, अब हम लोग रेडी वेडी होकर निकल गए हैं शादी के लिए। थोड़े से डिस्टेंस पर थी शादी, ऐसी 25 से 30 मिनट्स का जो है वो रास्ता था, और जो है बस तो हम लोग निकल गए थे, ज़्यादा दूर नहीं था। तो देख लें, बस अभी रास्ते की मैंने बना ली थी, और गाड़ी में हम लोग बातें बातें कर रहे थे, मेरी दोनों भांजियाँ भी हमारे साथ थी, और बस मैं अंदर का नहीं ले पाई, बहुत अंधेरा था, तो बहुत अच्छी सी कोई वीडियो आ नहीं रही थी, तो मैंने सोचा कि चले वहाँ जाके कुछ मैं बना लूँगी। लीजिए जी, हम लोग आ गए हैं शादी में, एंट्री हमारी हो गई है, आगे मेरी बड़ी सिस्टर हैं, उनके फैमिली है। तो बस यहाँ पर आने के बाद तो देखें, पहले हमने खैर भाभी से मिले जिनके यहाँ हम शादी में आए हैं, दुल्हन देखी, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत दुल्हन थी, बहुत ही प्यारी दुल्हन माशाल्लाह से उनकी है, बेटा भी बहुत प्यारा है। तो बस उन लोगों को देखा हम लोगों ने, तो फिर भाभी बोली कि अब आप लोग सब लोग खाने पर चले जाएँ पहले, तो अब आप लोग देख ले शादी में, अब जो है मेन जो है हम यहाँ आ गए थे, तो बस पहले वही थोड़ा चाट वाट की तरफ गए, फिर हम लोग ये खाने की तरफ आ गए थे। तो बस जी, काफ़ी ज़्यादा गैदरिंग थी, बहुत मज़ा आया, बहुत टाइम के बाद कोई शादी अटेंड करी है सही में फ्रेंड, मैं तो बहुत ज़माने के बाद किसी शादी में गई थी, और इतने सारे अपने लोग थे ना वहाँ जानने वाले कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो बस बहुत मज़ा आया वहाँ पर, और देखें बड़ी मज़े मज़े की खाने की चीज़ें थी, और बहुत ही मज़ा आया। ये था जी कीमा था, और उससे पहले चिली चिकन था, यहाँ पे सीख कबाब वगैरह जो हैं वो सेके जा रहे थे, और जी ये पूरा ना एक बड़ा स्टॉल टाइप का लगाया हुआ था, यहाँ सीख कबाब थे, और उधर जैसे चिकन टिक्का वगैरह था। मैं शायद अभी आगे जाऊँगी तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, यकीन करें पेट तो इसी से भर गया था, और बहुत मज़ा आया था। मेरी तो बड़ी कमज़ोरी सी है ये चीज़ें, देखिए फ़िश फ्राई थी जो कि मुझे बहुत पसंद है, बहुत मज़ा आया इसको खाने में। और अब तो जो है मैं अब आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, तो मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है, देख लीजिए थोड़ा सा क्लिपिंग मेरा भी, मैं थोड़ा सा मैं आ गई हूँ सामने, और ये जी देखिए ये भी बड़ा थोड़ा सा ही, मेरे ज़्यादा बन नहीं पाया था, मैंने बोला था कि मैं ज़रा सा कुछ शूट कर लूँ, लेकिन बस बन ही नहीं पाई कोई अच्छी सी मेरी क्लिपिंग। तो जी यहाँ पर पूरा कैफ़े भी था, कुछ कॉफ़ी वगैरह हम लोगों ने पी, तो देखिए मैंने जो है कोल्ड कॉफ़ी ली थी, और बहुत मज़े की कोल्ड कॉफ़ी थी, हम लोगों ने कोल्ड कॉफ़ी इन्जॉय करी। और ये जी देखिए यहाँ पे हॉट कॉफ़ी भी है, मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए आ गई थी, बट मैंने ये पी नहीं थी क्योंकि मैं ऑलरेडी कोल्ड कॉफ़ी पी चुकी थी। ये बड़े ज़बरदस्त यहाँ पे जूसेस थे, और इससे भी प्यारी इनकी ना बॉटल्स थी, मुझे बड़ी प्यारी लगी, और बहुत अच्छे जूसेस थे, और बहुत अच्छा इंतज़ाम था, मज़ा आ गया वहाँ पर शादी में जाके। एक तो बहुत टाइम बाद हम सारे मतलब सारे रिलेटिव्स एक साथ थे वहाँ पर, तो देखें सारे मेरे घर के बच्चे हैं सब लोग,
यहाँ पर हैं और बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने सबको थोड़ा थोड़ा सा लिया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत टाइम के बाद हम सब लोग इकट्ठा हुए थे और ये देखिए बड़ी छोटी सी क्लिपिंग आई, मेरे बहनों ही हैं, मेरी कज़न सिस्टर के हस्बैंड हैं और उनको भी थोड़ा थोड़ा सा, सबको थोड़ा थोड़ा सा लिया, बहुत ज़्यादा नहीं ले पा रही थी, बहुत छोटी छोटी सी क्लिपिंग्स ली मैंने। और बहुत भीड़ थी माशाल्लाह, तो बड़ा मज़ा आ रहा था वहाँ पे, सब लोग थे ना, हर थोड़ी देर बाद तो सबसे मिलना हो रहा था, हंसी मजाक ये सब चल रहा था। उसी में मैंने सोचा छोटा छोटा सा सब सारा मैं ले लेती हूँ, शूट कर लेती हूँ, फिर एक मैं व्लॉग डालती हूँ आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स मैंने तो बहुत इन्जॉय करा। और ये देख लें जी, ये हम लोग हैं फ्रूट स्टॉल पर और यहाँ पर ये मेरी बड़ी सिस्टर भी यहाँ पे फ्रूट्स ले रही हैं, जिनसे आप लोग वाकिफ़ हैं, मैं ऑलरेडी इनका पहले भी डाल चुकी हूँ। और देखें शायद ये अभी दिखेंगी, हाँ ये मेरी बड़ी सिस्टर थी। और देखें यहाँ पे बड़े ज़बरदस्त जूसेस थे भाई, ज़बरदस्त तरीके के शेक्स थे, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने। फाइनली अब हम लोग पान के स्टॉल पर आ गए थे और हम लोगों ने लास्ट में मीठा पान खाया। और अब देखिए जी ये क्या हो रहा है, ये ज़बरदस्त है, ये मेरी बड़ी सिस्टर हैं और हम लोग पॉलीथिन में क्या डाल रहे हैं, ये मैं हूँ। नहीं फ्रेंड्स, ये हम लोग अपने खाने के लिए नहीं डाल रहे हैं, जो मेरी कज़न हैं, मेरी कज़न सिस्टर हैं, उनकी ना स्ट्रीट में बहुत सारे डॉग्स हैं, जो कि मतलब वही पूरा केयर करती हैं उसका, उनका बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, तो वो उनके लिए सारा ये जो है, क्योंकि लोग इतना छोड़ देते हैं ना, इतना वेस्ट करते हैं, तो वो उनके लिए सारी हड्डियाँ और गोश्त वगैरह जो है सब हम लोग रख रहे थे कि ये वो खाएँगे। और वेस्ट होने से अच्छा है फ्रेंड्स, और ये वो बहुत सवाब का काम करती हैं माशाल्लाह, मैं हमेशा उन्हें हर दावत में देखती हूँ, वो अपने ना स्ट्रीट डॉग्स के लिए हमेशा इतनी परेशान रहती हैं कि मतलब कह रही मुझे ना जैसी हड्डियाँ वगैरह देखती हूँ, मुझे मेरे जो हैं वो लोग याद आ जाते हैं। तो बस हमने उनके लिए पैक करा और बड़ा अच्छा सा हमें लगा कि ये तो बड़ा अच्छा सा सवाब का काम है और अल्लाह ताला उनको इसका अजर देगा। तो ये देख लें फाइनली अब हम घर वापस आ चुके हैं फ्रेंड्स। और ये मेरे माम को खड़ा कर दी, माम कह रही मम्मा अब तो मत लीजिए और अब तो हम वापस आ गए। मैंने कहा नहीं बेटा, एक लुक तो दे दो, मैंने इतनी मेहनत करी थी इस पर प्रेस करने पर। तो जो है वो खड़ी हो गई बेचारी, कह रही अच्छा, थोड़ा सा ना थोड़ा हेजिटेट हो रही थी कि मम्मा आप ये क्या कर रही हैं, मेरी वीडियो ऐसे क्यों बना रही हैं। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, बड़ी प्यारी सी लग रही थी माम आज हमारी। और फ्रेंड्स देख लीजिए आप लोग भी। तो बस फ्रेंड्स ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक